हमारा बाबू इसमें थोड़ा सा दिखे लेकिन इसमें नहीं दिख रहा। पानी पीते हैं, भेली और चना खाते हैं, उसका साथ चुकंदर खाते हैं और कथी हो टट्टी खाती हो। मेरा बेबी कब होगा? होगा 15। जय हो हमारी योगी सरकार। अरे तुम्हारी योगी सरकार। सब्सक्राइबर कहते थे सदर में जाइएगा, लेकिन हम लोग सोचते थे क्या सदर में जाए, नजदीक में हमारा चरगावा है तो ये। हमने कभी सोचा नहीं था कि सरकारी हॉस्पिटल भी इतना अच्छा होगा। पता करे खर्चन की बात हमारी है लड़कवा के हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर्केजनिक कौशल में। आज है 16 तारीख और अभी देखिए समय नहीं दिख रहा होगा, अभी 6:38 हो रहा है और आज इतना सवेरे हम लोग उठे हैं। क्यों उठे हैं दोस्तों? जाना अल्ट्रासाउंड करवाने, लेकिन अभी बाहर हम ना उतना उजाला नहीं गया है, 7 वाला है लेकिन उजाला नहीं है। जा रहे हम नहाने, पानी गर्म कर रहे, झाड़ू लगा रहे, अभी ब्रश करेंगे तब नहाएंगे, तुरंत निकलेंगे। इतना सवेरे इनको नहाना पड़ेगा और नहा धो के निकला जाएगा, काफ़ी लेट ना हो जाए क्योंकि 10 वहाँ अल्ट्रासाउंड वाला काम बंद हो जाता है। तो चलिए फटाक से तैयारी कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों अभी को मौसम थोड़ा सा सही हुआ और मौसम का हम लोग इंतजार तो नहीं कर रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे नहाने धोने फ्रेश होने का। तो फ्रेश और हमारी वाइफ भी नहा धो चुकी हैं और कपड़ा बस पहनना बाकी है, तो फटाफट कोट पहन लीजिए और चला जाए फटाक से, समझी? हाँ सोनी कूड़ी लग रही है, चलिए बाहर निकलिए। तो बस ब्रश करके हम लोग चाय पिए हैं और चाय पी के निकल रहे हैं, बाकी तो अभी आएंगे तो खाना दाना खाया जाएगा और माता रानी से यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी काम निपट जाए, उसके बाद हम लोग लौटे। तो हम लोग निकल लिए हैं, अभी सुबह पूरा 7 बज रहे हैं और हम लोग निकल लिए हैं। ठंडा बहुत तेज लग रहा है, शायद सूर्य भगवान भी अभी निकल जाए। तो अच्छा मौसम है यार दोस्तों, नहा वहाँ के एकदम सवेरे तैयार हो गए हैं, चलते हैं देखते अल्ट्रासाउंड होता है कि नहीं, इतना मेहनत करने पर। फाइनली दोस्तों इतनी खतरनाक ठंडी में हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल सदर में इस समय पहुँचे हैं। लगभग अभी कितना बज रही है? 7:30 बज रहा होगा और पहुँच चुके, इतनी तगड़ी ठंडी लग रही थी कि जैसे भी तो मर जाएंगे। चलिए चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाए तो आगे ना जा पाए। एंट्री करते हुए चलो भीड़ ना आए को। तो फाइनली गाइस अभी बाहर आ चुके हैं और अभी तक हमें पता नहीं था कि आधार कार्ड का जेरोक्स भी लगेगा, और पहली बार आए हूँ तो इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो अभी आधार कार्ड का जेरोक्स कराने के लिए दुकान पे आए हैं और दुकान नहीं कहीं मिला था, यही एक दुकान मिला है, पूछते हुए आए हैं और जेरोक्स कराते हैं और शायद पेन भी खरीदना पड़े क्योंकि उस पर कुछ लिखना भी है, एड्रेस वगैरह लिखना है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए आप फॉर्म दे सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसी में कितना टाइम लग जाता है, अभी 8 बज गया। तो जेरोक्स तो करा चुका हूँ बट पेन ये 5 की कभी मिलती थी और यहाँ भाई साहब 7 की दे रहे हैं और कहें कि मजबूरी में ले लेते हैं, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं। तो पेन 7 का ले चुके हैं और हम चलते हैं। दोस्तों क्या सोच रहे हैं? 10 है, 2 अभी कुछ नहीं हुआ। क्या सोच रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं बैठे बैठे और कुछ खाने का। पेट खाली था तो बाबू बहुत ज्यादा इसी में घुड़ 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 कर रहा है, जाना चाय पीने और कुछ खाए। चलो तो अभी चाय की दुकान पे आ चुके हैं और चाय गर्म करना पड़ेगा तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये अब सही चला। फाइनली गाइस बजने वाला है 12, जस्ट लगभग 5-6 कम है और अभी को सारा रिजल्ट मिल चुका है। अभी कल भी भागा दौड़ी करना पड़ेगा, ब्लड जांच का भी रिजल्ट नहीं मिला है और जो भी अल्ट्रासाउंड हो चुका है वो देखिए। और चलिए घर चल के बढ़िया से अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों
घर पे पहुंच तो चुके हैं लेकिन खाना अभी को खा रहे हैं। बज रहा है ना बताओ? एक बजन 10 मिनट बाकी है। एक बज चुका है और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। अभी तो बहुत तगड़ा भूख लग गया था क्योंकि रास्ते में हम लोग कुछ नहीं खाए हैं, डायरेक्ट आ गए बस चाय पीकर बस यहीं आ गए हैं। चलिए खाते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। अभी तो जांच करना था, ब्लड जांच करना था और अल्ट्रासाउंड तो हो गया और ब्लड जांच भी हो गया, उसका रिपोर्ट नहीं मिला है अभी। रिपोर्ट कल मिलेगा तो कल के वीडियो में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तो और बाकी सब ठीक है, इनका बेबी बहुत अच्छे तरीके से हंस खेल रहा है करेंगे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब तो भगवान से ही मना रहे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है और हम कुछ नहीं है, भगवान करे माता रानी करे ऐसे ही चलता रहे। और दोस्तों हम अपने खाने पर ध्यान देते हैं, दोस्तों चुकंदर खाते हैं थोड़ा सा सुबह में, पानी पहले गर्म पानी पीते हैं, भेली और चना खाते हैं, उसके बाद चुकंदर खाते हैं और कान का कान खाते हैं दोस्तों, गाजर वजर खाते हैं। ऐसा नाचे देते देखिए तंगे प्याले प्याले बीबी अरे ये बाय बुना ये पोगो को बना रे ये तक के मरवा दूंगा ना ऐसे ऐसे बड़ा बताबे तुम्हें तो मारे था जैसे कितना प्याले प्याले बेबी आप लोग देखते हो। शॉर्ट वीडियो बनावा खड़ा ना हो जाता। दोस्तों शाम हो चुका है, रात हो चुका है, इधर करिए कैमरा ना साफ होता। दोस्तों शाम हो चुका है, रात हो चुका है, हम जा रहे हैं सोने और आप सभी को बता दे अल्ट्रासाउंड में आप सभी को दिखा देते हैं अल्ट्रासाउंड किधर है। अरे कहाँ रख देनी जी दिखाएं, आप पकड़ी हम दिखा बताएं, हम बता रहे हैं क्या क्या है हमारे अल्ट्रासाउंड में। हमारा हाथ दर्द करने लगेगा ना, आप आते नहीं दोस्तों। हमको बस एक चीज नहीं अच्छा लग रहा है, हम सोच रहे थे ना हमारा बाबू इसमें थोड़ा सा दिखे लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख नहीं रहा है, वहाँ का अल्ट्रासाउंड ऐसा हो रहा है बाबे भी नहीं दिखाया जाता है। और दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड हुआ है। और क्या चीज देखना है ये भी सही है, काली खड़ा लाला मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट होता है दौड़े ला में दोस्तों, हलचल तो बहुत जाती है उसके अंदर, मैं बता रही हूँ अपने से ही। और मूवमेंट तो बहुत ज्यादा करता है, हलचल तो कहीं मतलब रात भर सोने नहीं देता है, पैर तो खुद रात भर सोने नहीं देता। और दोस्तों मेरा बाबू कितने किलो कितने ग्राम का है ये भी सही है। और दोस्तों मेरा बाबू है 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम, ठीक। जैसे कि 2 किलो में एक पौना, एक पौना थोड़ा दिखा रहा भाषा और इनका भाषा नहीं समझ आता है। ये एक्टिविटी देखिए सब सही है और ये पता नहीं क्या चीज़ है, 32 दिया हुआ है सीजी, ये चीज़ नहीं मालूम है। और यहाँ डेट दिया हुआ है भाई, हाई वीक दे ले के ना वीक भाई। अच्छा हम का हेकर सामने का ही दिल रहा कि 32 हफ्ता 0 दिन, पता नहीं जो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये है आपका 15 तारीख 3rd महीना में मतलब होने का चांस है। और ये है वेट 1745 ग्राम और ये पता नहीं क्या है, निगेटिव है क्या शायद नहीं लिखा है, चलिए लिखा ही नहीं है। आपका जब ब्लड आएगा हम दोनों लोग का जब उत्ती हो जाएगा तब। और इसमें पता नहीं क्या क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आता है कुछ, ये क्या चीज है। तो दोस्तों ये पर्ची मिल गई है, डिलीवरी हम आप
अपना डिलीवरी वहीं पर करवाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि अरे आप अपना बेबी वहीं पर रखाइए क्योंकि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। सच में इस समय देख रहे हैं बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बन गया, बहुत साफ सुथरा उसमें दिख रहा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पहले हम लोग चरगामा जाते थे हॉस्पिटल पे, तो वहीं इससे पहले कभी सदर नहीं गए थे, तो पहली बार जब सदर गए कई सब्सक्राइबर कहते थे सदर में जाइएगा सदर में जाइएगा, लेकिन हम लोग सोचते थे क्या सदर में जाएं, नजदीक में हमारा चरगावा है तो यहाँ हम लोग जाएंगे डिलीवरी कराएंगे। लेकिन एक बार जब सदर में गए तो वहाँ की सफाई साफ सुथरा, वहाँ के काम करने के तरीके देखे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के काम करने वाले भी अभी समय देख रहे हैं बहुत अच्छे लोग हो गए हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी है जिसको जरूरत है उसको लोग फटाक से काम करते रहे, जो अच्छे नॉर्मल है उन लोग को बाद में कर रहे हैं, ये उन लोग का बहुत अच्छा लगा। जो इमरजेंसी है जिसको ज्यादा करा उसको पहले लोग देख रहे हैं, तो ये वाला ये सब उनको बहुत अच्छा, इसीलिए हम अपना डिलीवरी करवाएंगे सदर। साफ सुथरा इतना बहुत ज्यादा साफ सुथरा हॉस्पिटल की, और यहाँ चरगाव में थोड़ा सा हमने कभी सोचा नहीं था कि सरकारी हॉस्पिटल भी इतना अच्छा होगा। जय हो सरकार, जय हो हमारी योगी सरकार। अरे तुम्हारी योगी सरकार, मैंने जब से योगी जी आए तब से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, हुआ है कि नहीं दोस्तों? आप लोग ये मत सोचिएगा कि मनो हमें इसमें घुसना नहीं चाहते थे, पन्नी करके हम तो ये बता रही हूँ कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोग खरीदारी नहीं का नेता नेती क्षेत्र में घुस रहे हैं, वो नहीं है, बस मनो कह रहे जब से योगी जी आए हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। गोरखपुर में बहुत ज्यादा चेंज है। ठीक, तो ये रहा हमारा रिपोर्ट, चलिए हम तो यही जानने के लिए उत्साहित थे और सबसे बड़ी बात अभी ब्लड टेस्ट दोनों का जांच हुआ है, अभी वही लटका हुआ है, अभी वो रिपोर्ट नहीं आया है, वो आएगा तब हमारा पता चलेगा क्या क्या हुआ है। कल आएगा हमारा और इनका ब्लड टेस्ट दोनों का हुआ है, तो वो आएगा कल। अच्छा कहाँ का ब्लड टेस्ट करेंगे नहीं, इससे कम पूछ लिए मैम ओ नेगेटिव है तो हमें कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, और करें सब तो हम इसी लगवा सकते हैं, हम नहीं लगवा पाए मैम तो करिए, तो अपने पति तुम्हारे पति का क्या ब्लड ग्रुप है क्या नहीं मालूम है, बोली थी हम जान रही हैं पता करे करें कि बाप हमारी यही होकर लड़का से बाप कौन अरुणा यही करते फोन से बोल कुत्ती ना ये तो कुत्ती है ये देखिए दोस्तों कितने खराब हैं। मैं हम कहीं हम ना को बाप बनने के लिए कहा जाना दोस्तों, हमारा हम काली लड़का हमारा जो ब्लड है वो निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है निगेटिव है, तो इसीलिए मैम से बोले मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सुई भी नहीं लग पाया, तो मैम बोली है तुम्हारे पति का क्या मनो क्या ब्लड ग्रुप है क्या नहीं मालूम है, तो बोली है अपने साथ साथ अपने पति का भी जाँच करा कर लाना था उनको, तो हमको जानकारी नहीं है पहली बार बाप बना, तो इस वजह से हम सोचे कि हमारा क्या काम ब्लड ग्रुप का, शायद यही होगा कि मतलब जांच करने के लिए कि हम पिता उसके हैं कि नहीं। चला लेकिन जब ये जान ली है कि ब्लड ग्रुप खाली चेक करे बार खून चढ़ाए खाली कमी पड़ी है तो खुशी है। चलो ठीक है, आज का वीडियो हम यही करते हैं, वीडियो कैसा लगा कर सकते कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय 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 बाय।